ग्लैंड आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विराम चिन्ह, पंच के समय विराम। विराम का मतलब होता है रुकना या विश्राम करना। जब वक्ता अपनी बात को कहता है तो जब वह वक्ता अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी देर अपनी वाणी में लगाम देता है, यानी थोड़ी देर वाणी को विश्राम देता है, तो इस रुकने की प्रक्रिया को भी विराम कहते हैं। जब वाक्य लिखा जाता है तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो वाक्य में चिन्ह लगाए जाते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, वाक्य लिखते समय अपनी बात स्पष्ट करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं रुकने या अपनी बात भाषा को स्पष्ट करने के लिए, तो उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम चिन्हों को लगाते हैं। जैसे पिताजी गांव चले गए, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है क्योंकि यह वाक्य हमारा समाप्त हो गया है। इसी तरह से है अल्पविराम। अल्पविराम होता है जब हम वाक्य में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। जब हमें वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो वहाँ हम दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये होते हैं अल्पविराम। जैसे आज नीना, रीना और संजय आए थे, क्योंकि यहाँ दो नाम दिए हुए हैं तो हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, इसलिए हमने यहाँ पर अल्पविराम लगाया है। दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच में जब हमें थोड़ी देर रुकना होता है तो वहाँ पर हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई हमारे से प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर यह चिन्ह लगाए जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे माताजी कहाँ गई हैं, तो यहाँ पे देखिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरह से होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं जब हर्ष यानी खुशी, दुख और आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, आश्चर्य का बोध कराने के लिए हम इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे वह कितना स्वादिष्ट पकवान है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ विस्मयादिबोधक क्योंकि यह खुशी को प्रकट कर रहा है, वह कितना स्वादिष्ट पकवान है। या फिर अरे तुम कब आए, यह आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होते हैं दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने या उन्हें जोड़े के रूप में लिखने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सौरभ दिन रात, जैसे इन शब्दों को जोड़ने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। इसी तरह से होते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होते हैं जब हमें किसी को निर्देश देना होता है तो हम वहाँ पर निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुमित, देखो यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है सुमित मैं भी चलूँगा, तो सुमित को हमने निर्देश दिया है कि सुमित मैं भी चलूँगा। इसी तरह से होते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के वाक्य को ज्यों का, उसके कथन को ज्यों का त्यों लिखना, तो उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मत, तो इस प्रकार से आपने आज पढ़ा विराम चिन्ह को। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, वाक्य लिखते समय अपनी बात स्पष्ट करने की प्रक्रिया को या स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। थैंक यू।